हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट पैराग्राफ को लिखना सीखेंगे। टॉपिक क्या गिवन है? इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, यानी इन गुड मैनर्स की इम्पॉर्टेंस बताते हुए आई कैचिंग पैराग्राफ को प्रिपेयर करना है। मैनर्स मेक अ मैन, यानी जो मैनर्स है वो एक इंसान को इंसान बनाते हैं। दे शुड बी ऑब्जर्व इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, तो ये हमारी लाइफ के हर कदम पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। हमारे मैनर्स, हमारे बात करने का ढंग, हमारी रिस्पेक्ट। एट होम वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे पोलाइटली बात करनी चाहिए। एंड लव आवर यंगर, साथ में हमें अपने छोटों से भी रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए और उनके साथ अच्छा बिहेव रखना चाहिए। आगे बोला है वी शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर इन डूइंग हाउस होल्ड वर्क, यानी घर में फैमिली में जो भी हम लोग काम करते हैं, आपस में हमारे बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, कोऑपरेट करना चाहिए। वी शुड बी चेयरफुल एंड कर्टिशियस टू ऑल, यानी हमें सबके प्रति हमें चेयरफुल और विनम्र रहना चाहिए। द वर्ड्स प्लीज एंड थैंक यू शुड बी यूज फ्रिक्वेंटली, यानी हमें ये वर्ड्स बार बार बोलने चाहिए। प्लीज़ एंड थैंक यू, अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो आप इसे थैंक यू कहेंगे, और अगर जब भी आप किसी काम को कहते हैं तो आप लोग प्लीज़ करके बोलेंगे, क्योंकि अपने से बड़ों को हम लोग ऑर्डर नहीं दे सकते, उनसे हम प्लीज़ करके ही बात करते हैं। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये छोटा सा पैराग्राफ समझ में आया होगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। प्लस आप लोगों ने प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दिया होगा, क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश रीड करने नहीं आती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को, पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।